मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी गेटेड कॉम्प्लेक्स हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास साथ ही रिच लैंडस्केपिंग स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल स्विमिंग पूल इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी लॉकडाउन के कारण लंबे समय से बंद रहे स्कूलों की वजह से स्कूल संचालकों के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी होने लगी हैं जिसको लेकर दतिया जिले के निजी स्कूलों के संचालकों ने प्रशासन के आदेशों के खिलाफ विरोध जताया है। दरअसल पिछले दिनों शासन ने निजी स्कूलों के संचालकों को आदेश जारी किया था कि कोरोना के चलते अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस ली जाए अन्य फीस की छूट दे दी जाए लेकिन इसके बदले स्कूलों ने शासन से आर्थिक पैकेज देने की मांग कर डाली। शासन के इस आदेश के बाद निजी स्कूल संचालकों ने प्रशासन का विरोध शुरू कर दिया है जिसको लेकर आज करीब आधा सैकड़ा निजी स्कूल संचालक अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन पर लिखा था कि अगर वो फीस नहीं लेंगे तो स्टाफ के वेतन और स्कूल के खर्चे कहाँ से आएंगे। स्कूल संचालकों ने डिप्टी कलेक्टर शिवांगी जोशी को सौंपे ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की है कि ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भी अन्य लघु उद्योगों की तरह आर्थिक राहत पैकेज दिया जाए जिससे स्कूलों के कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों आवेदन दिया आज मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ ज्ञापन देने के लिए श्रीमान जिलाधीश महोदय के माध्यम से आए थे। आर्थिक पैकेज की हम लोगों ने मांग की है कि जिस प्रकार लघु उद्योगों को शासन ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है उसी प्रकार हम प्राइवेट स्कूल संचालकों की भी स्थिति इस समय बहुत बुरी हालत में हम लोग गुजर रहे हैं तो शासन हम लोगों को आर्थिक पैकेज दे हम लोगों की लोन की भी सुविधा दे। और मुख्य बात यह लेकर के आए हैं कि हमारा ही पैसा शासन के पास ITE का जो निःशुल्क गरीबी रेखा के बच्चों का 25% रहता है लाखों करोड़ों रुपए शासन के पास हमारा 16, 17, 17, 18 से जमा है तो उसको बिना निरीक्षण और बिना परीक्षण के बिना OTP बिना आधार के इन सारे नियमों में ना उलझा करके और हमारा जो पैसा आपके यहाँ जमा है उसको आप हम सभी लोगों के 3 दिन के अंदर हमारे खाते में जमा कराए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। श्रीमान उप जिलाधीश महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं आपकी सारी मांगों को शासन स्तर पर पहुंचाऊंगी और भरसक कोशिश करूंगी कि आप लोगों की समस्याओं के निदान हो। यही हमारे आज बिंदु थे। आज हम दतिया जिले के सारे संचालक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले आज अपनी मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए हुए थे। दतिया से रवि रेकवार की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।